नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र छेड़िया जी के पे फ्रेंड्स आज आपके लेकर आया आए सॉइल ऑफ इंडिया के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट अगर आप किसी यहाँ पेश कर रहे हो एसएससी एस रेलवे एनडीए सीडीएस डी एस एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सक्रिय आने वाले एग्ज़ाम में से मेरी ही वीडियो सब मिलेंगे वीडियो को अंतर ज़रूर देखना फेम वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट में आपको हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए जाएंगे अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया ऑप्शन आर सेवन ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी फोर एंड ऑप्शन डी एट फ्रेंड्स क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि इंडिया में जो सॉइल पाई जाती है वो कितनी प्रकार की हैं मतलब कितनी टाइप्स की हैं चार ऑप्शन दिए थे ऑप्शन आर सेवन ऑप्शन बी फाइव ऑप्शन सी फोर एंड ऑप्शन डी एट तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ए टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया फैंड बात हो रही थी ए टाइप्स ऑफ सॉइल की तो उनके हम नाम जान लेते हैं तो फर्स्ट है एल्यूबियल सॉइल नेक्स्ट इज रेड एंड येलो सॉइल थर्ड इज़ ब्लैक सॉइल फोर्थ इज लेटराइट सॉइल फिफ्थ इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल सिक्सथ इज एर एंड डेजर्ट सॉइल एंड सेवन इज सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल एंड एथ इज पैटी एंड मार्शी सॉइल ये एट सॉइल हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके रिलेटेड आपको हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है नेक्स्ट रहते हैं विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर इन इंडिया ऑप्शन आर अलूवियल सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल ऑप्शन सी रेड सॉयल एंड ऑप्शन डी लेटराइट सॉयल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एलुबियल सॉयल एलुबियल टाइप ऑफ सॉयल हैज़ द लार्जेस्ट एरिया कवर इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं फॉर द कॉटन कल्टिवेशन विच अमंग द फॉलिंग सॉयल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल ऑप्शन सा रेड सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी लेटराइड सॉइल एंड ऑप्शन डी एलुबियल सॉइल फ्रेंड्स क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि इन में से ऐसी कौन सी सॉइल है जो कि कॉटन कल्टिवेशन या फिर कॉटन का सबसे ज्यादा सुटेबल है चार ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन दा रेड सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी लेटराइट सॉइल एंड ऑप्शन डी एलूबियल सॉइल तो आंसर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है तक जरूर देखना फ्रेंड आपको इस चैनल में चढ़ाई क्वार्टियाँ दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा जी के से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले जरूर देख लेना फ्रेंड आपको इस वीडियो में ना 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि सॉइल ऑफ इंडिया से रिलेटेड होंगे और ये सारे ही क्वेश्चन मैंने कवर किए इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं तो फ्रेंड इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले ज़रूर कर लेना नेक्स्ट लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग सॉयल इज प्रिडमिनेटी फाउंड इन रहा रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल ऑप्शन आर ऑप्शन बी रेड सॉयल ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल एंड ऑप्शन डी एसिड सल्फेट सॉइल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रेड सॉयल इज फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट विच अमंग दॉलोइंग सॉयल इज कंसिडर टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लाट ग्रोथ ऑप्शन आर सेंडी बी कलेक्ट्री लूम एंडल्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लूम सॉइल इज कंसिडर टू कंसीडर टू बी द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट ग्रोथ नेक्स्ट क्वेश्चन कह लेते हैं विच आर द फॉल इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलूवेल साइल नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो कि करेक्ट नहीं है किसके बारे में अलूवेल सॉइल चार ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन आर अलूवेल सॉइल फाउंड इन अबूडेंट इन इंडिया ऑप्शन बी अलूवेल सॉइल इज जनरली फर्टाइल ऑप्शन सी लुलबेर सॉइल लैक्स नाइट्रोजन एंड टेंट टू बी फॉस्फॉरिक एंड ऑप्शन डी एलूबेल सॉइल हैज़ हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि एलूवेर साइल हैव हाई परसेंटेज ऑफ क्ले एंड रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम इज नॉट करेक्ट नेक्स्ट लेते हैं मन सेल कलर सिस्टम इज यूज टू डिटरमाइंड ऑप्शन आर सॉइल कलर ऑप्शन बी लीफ कलर ऑप्शन सी सॉइल टेक्चर एंड ऑप्शन डी नॉन नाफ दीज आंसर क्या है ऑप्शन ए यानी कि सॉयल कलर टू डिटरमाइंड द कलर ऑफ सॉयल वी यूज मन सेल कलर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट कहते हैं विच आर द फॉलोइंग सॉयल है वेरी लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑप्शन एसिड सॉयल ऑप्शन बी सलाइन साइयल ऑप्शन सी सैंडी साइल एंड ऑप्शन डी अल्कली सॉयल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अल्कली सॉयल है वेरी लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट कहते हैं

एंड ऑप्शन डी लेटराइट सॉइल फ्रेंड्स क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि इन में से ऐसी कौन सी सॉइल इसमें कि सबसे ज्यादा पोटाश और लाइम पाया जाता है चार ऑप्शन देखे थे ऑप्शन आर अलूबेल सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी राइट सॉइल एंड ऑप्शन डी लेटराइट सॉइल तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अलूबेल सॉइल इज हाईली रिच इन पोटाश एंड लाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं विच इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया ऑप्शन आर ब्लैक सॉइल ऑप्शन बी लेटराइट सॉइल ऑप्शन सी माउंटेन साइल एंड ऑप्शन डी एलुवियल सॉइल आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनियम फ्रेंड्स शेयर जरूर करेगा आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेन द स्टडी आई क्यू जी के नेक्स्ट है विच इज़ द मेजर सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया ऑप्शन आर एलुवेल सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी रेड सॉइल एंड ऑप्शन डी लेटराइट सॉइल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एलुवेल सॉइल इज अ मेजर सॉइल ऑफ नॉर्थन इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक एग्जाम में पूछा गया है। सुनते हैं वट इज अनादर नेम ऑफ ओल्ड एलुवेल सॉयल ऑप्शन आर कलार ऑप्शन बी खंजर ऑप्शन सी भंगर सॉइल एंड ऑप्शन डी भंगर या फिर भंगार एंड ऑप्शन डी खदर तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भंगार सॉइल इज द अदर नेम ऑफ ओल्ड एलुवेल सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यू एलुवेल साइयल ऑप्शन सा रिगोर ऑप्शन बी खदर ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल एंड ऑप्शन डी कलार आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि खदर इज आन अदर नेम ऑफ न्यू एलुवेल सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट आते हैं विच इज़ द मोस्ट आइडल सॉयल फॉर द पैडी कल्टिवेशन ऑप्शन आर ब्लैक सॉयल ऑप्शन बी अलूवेल साइयल ऑप्शन सी रेड सॉयल एंड ऑप्शन डी लेट्राइड सॉइयल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आलूवेल इज़ द मोस्ट आइडल साइल फॉर द पैडी कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया रिगुल साइल इज़ देश अदर नेम ऑफ विच सॉयल ऑप्शन आर लेटराइड साइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल ऑप्शन सी एलुबेल सॉयल एंड ऑप्शन डी रेड सॉयल फ्रेंड्स क्वेश्चन बी के लिए पूछा गया था कि इन में से ऐसी कौन सी मिट्टी है या फिर सॉइल है जिसका दूसरा नाम जो है वो रिगुर भी है चार ऑप्शन देखिए थे ऑप्शन रहा लेट्राइट सॉयल ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल ऑप्शन सी एलुबेल सॉइल एंड ऑप्शन डी रेड सॉयल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रिगुर सॉयल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाए और फ्रेंड जो आपकी जो हो सॉयल है ये आइडियल होती है किसके लिए कॉटन क्रॉप के लिए भी ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट लेते हैं विच सॉइल डज नॉट रिक्वायर इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर एज इट रिटेन वाटर ऑप्शन आर एलिवेल सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी रेड सॉइल एंड ऑप्शन डी लेट राइट सॉइल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्लैक सॉइल इज नॉट रिक्वायर इरीगेशन फॉर द एग्रीकल्चर एज इट रिटेन वाटर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया निश्चित हैं रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन आर एकूमलेटेड ह्यूमस ऑप्शन बी अबोडेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑप्शन सी अबोडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज फेंस क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि जो मिट्टी का लाल कलर होता है ना वो किसके वजह से होता है मतलब उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी उसका जो कलर होता है वो लाल होता है चार ऑप्शन देखे थे ऑप्शन आर एकूमलेटेड ह्यूमस ऑप्शन बी अबोडेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑप्शन सी अबोडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नाफ दिस आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एबोडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड द रेड कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आंसर ऑप्शन सी यानी कि एबोडेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट होते हैं द ब्लैक कलर ऑफ द साइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑप्शन आयरन ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए इज आयरन अलमूनियम ह्यूमस कंटेंट ऑप्शन बी जिंक सल्फर पोटेशियम ऑप्शन सी लिटर कंटेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एब फेंस क्वेश्चन बेस के लिए पूछा गया था कि जो ब्लैक सॉइल होती है उसका जो ब्लैक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको चार ऑप्शन दिए थे तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन अल्यूमिनियम एंड ह्यूमस कंटेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया निश्चित है विच आर द फॉलोइंग सॉयल इज सुटेबल फॉर द टी ऑप्शन ऑप्शनल लिटराइड ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी रेड एंड येलो सॉइयल एंड ऑप्शन डी एलुवेल सॉयल फ्रेंड्स क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि जो टी प्लांटेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल सॉइल कौन सी इन चारों में से चार ऑप्शन दिए थे ऑप्शनल लेटराइड सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी रेड एंड येल्लो सॉयल एंड ऑप्शन डी एलूवियल सॉयल आंसर क्या है ऑप्शन ए यानी कि लेटराइड सॉयल इज़ सुटेबल फॉर द टी प्लानेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं ऑफ प्लास्टिक लावा फ्लोर ऑप्शन आर रेड ऑप्शन बी ऑप्शन सी एसिडिक एसिडिकॉयल एंड ऑप्शन डी ब्लैक सॉइल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ब्लैक सॉयल इज फॉर्म बाय द विदरिंग ऑफ लावा फ्लोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं वट इज द नेम गिवन वेन सैंड पार्टिकल आर फाउंड इन एलुबेर ऑप्शन आर लूम ऑप्शन बी कलर कलार ऑप्शन सी खंजर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ डीज आंसर क्या है ऑप्शन बी यानी कि कलार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं विच सॉयल इज मोस्ट रिस्पॉन्सड फॉर रबी क्रॉप मोस्ट सुटेबल फॉर रबी क्रॉप ऑप्शन आर एसिडिक साइल ऑप्शन बी अल्कलाइन सॉल ऑप्शन सी अलूबेल सॉइल एंड ऑप्शन डी वेरी गुड आंसर क्या है ऑप्शन सी यानी कि अलूबेल सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर रबी क्रॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं वेयर इज मारसीयल फाउंड ऑप्शन है गुजरात ऑप्शन बी हरियाणा ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि उत्तराखंड मार्शीस ऑयल फाउंड इन उत्तराखंड स्टेट अमंग दीज फोर ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट लेते हैं डेजर्ट साइल फाउंड इन विच स्टेट ऑप्शन है उत्तराखंड ऑप्शन बी सिक्किम ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी राजस्थान आंसर इजी है ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलिंग सॉयल हार्ड टू कल्टिवेट ऑप्शन आर एलुबियल सॉइल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी रेड सॉयल एंड ऑप्शन डी सैंडी सॉइल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सैंडी सॉइल इज हार्ड टू कल्टिवेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट होते हैं ग्राई सॉइल लाइक एश ऑफ पाइन फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज ऑप्शन आर रेड एंड पीट सॉइल ऑप्शन बी तुंदरा सॉल ऑप्शन सी पोडोज साइल एंड ऑप्शन डी ग्रे सॉइल आंसर क्या है ऑप्शन सी यानी कि पोडोजोल ऑप्शन सी यानी कि पोडोजोल सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टेंशन शेयर जरूर करेंगे आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेन दी आई को जी के नेक्स्ट लेते हैं द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा इस ऑप्शन आर डिफॉरेस्टेशन ऑप्शन बी सॉइल इरोजन ऑप्शन सी एक्सेसिव कल्टिवेशन एंड ऑप्शन डी सिलानिटी एंड वाटर लॉगिंग आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिलानिटी एंड वाटर लॉगिंग इज द मेन प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉयल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक एग्जाम में पूछा गया द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम द टॉप सॉयल टू सब सॉइल थ्रू वाटर इज कॉल्ड ऑप्शन आर पर कोलेन ऑप्शन बी कंडक्शन ऑप्शन सी लीचिंग एंड ऑप्शन डी ट्रांसपारेशन आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लीचिंग द ट्रांसफर ऑफ मिनरल फ्रॉम टॉप सॉइयल टू सब सॉइल थ्रू वाटर इज कॉल्ड आंसर ऑप्शन कि लीचिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन डू द लेट्राइड सॉयल डेवलप ऑप्शन आर वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑप्शन बी हॉट एंड ड्राई ऑप्शन सी कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट एंड ऑप्शन डी मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन डू द लेटराइड सॉयल डेवलप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट लेते हैं ब्लैक सॉइल आर आइडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एज ऑप्शन आर देयर कलर इज ब्लैक दे कैन रिटेन मॉइस्चर ऑप्शन सी दे आर मेड ऑफ लावा एंड ऑप्शन डी दे आर फाउंड ऑन ब्लैक्टिव रीजन फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था आपको ये पता ही है कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो आइडियल है किसके लिए कॉटन क्रॉप के लिए आपसे ये पूछा गया ऐसा क्यों चार ऑप्शन दिए थे ऑप्शन आर देयर कलर इज ब्लैक दे कैन रिटेन मॉइस्चर ऑप्शन सी दे आर मेड ऑफ लावा एंड ऑप्शन डी दे आर फाउंड इन

कैल्शियम ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी फॉस्फोरस या फिर फॉस्फोरिक आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कैल्शियम सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैव हाई कंटेंट ऑफ आंसर ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन बी यानी कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट लेते हैं द कॉम्पोजिशन ऑफ लेटराइट सॉइल इज हायर एरिया इज ऑप्शन अल्कलाइन ऑप्शन बी सलाइन ऑप्शन सी एसिडिक एंड ऑप्शन डी बैलेंस तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एसिडिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज ऑप्शन पैडोलॉजी ऑप्शन बी ऑप्शन सी इकोलॉजी एंड ऑप्शन डी पोमोगी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पेडोलॉजी इज द साइंस डील्स विद स्टडी ऑफ सॉयल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है रेड सॉयल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन ऑप्शन आर ईस्टर्न रीजन ओनली ऑप्शन बी साउथन इजन ओनली ऑप्शन सी ईस्टर्न साउथर्न पार्ट ऑफ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज आंसर क्या C, है ऑप्शन सी यानी कि ईस्टर्न साउथर्न पार्ट ऑफ डेकन प्लेट्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया निश्चित है लेटराइड सॉइल फाउंड इन ऑप्शन हाई रेन स्टेट ऑप्शन बी इन डेजर्ट ऑप्शन सी ट्रॉपिकल एरिया एंड ऑप्शन डी ड्राई एंड ह्यूमन ट्रॉपिकल एरिया आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ड्राई एंड ह्यूमन ट्रॉपिकल एरिया एरियाड सॉइल फाउंड इन ड्राई एंड ह्यूमन ट्रॉपिकल एरिया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया पैटी सॉयल इज फाउंड इन ऑप्शन आर केरला ऑप्शन बी कश्मीर ऑप्शन सी आसाम एंड ऑप्शन डी गुजरात आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केरला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग एजाम में पूछा गया ना विच आर द फॉलोइंग सॉयल इज यूज टू मेक ब्रिक ऑप्शन लिटराइड सॉल ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल ऑप्शन सी रेड एंड येलो सॉयल एंड ऑप्शन डी एलुवियल सॉइल फ सी के लिए पूछा गया था जो ईंटे बनी होती हैं वो किस मिट्टी की बनती हैं चार ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन आर लेटराइड सॉयल ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल ऑप्शन सी रेड एंड येलो सॉइल एंड ऑप्शन डी एल्यूवियल सॉइल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लेटराइड सॉयल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट देखें विच आर द फॉलिंग सॉयल इज जनरली डेफिशेंट इन नाइट्रोजन ह्यूमस एंड फॉलवर बट रिच इन पोटाश ऑप्शन आर लेट्राइड सॉयल ऑप्शन बी ब्लैक सॉयल ऑप्शन सी रेड एंड येलो सॉइल एंड ऑप्शन डी एलोवियल सॉयल फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि इनमें ऐसी कौन सी सॉइल है जो कि डेफिशियट होती है किसमें नाइट्रोजन ह्यूमस और फॉसफॉरस बट उसमें जो पोटास की मात्रा होती है सबसे ज़्यादा होती है चार ऑप्शन देखिए थे ऑप्शन तो आर लेट्राइड सॉयल ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल ऑप्शन सी रेड एंड येल्लो सॉयल एंड ऑप्शन डी एलोवियल सॉयल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रेड एंड येल्लो सॉयल इज जनरली डेफिशेंट इन नाइट्रोजन ह्यूमस एंड फॉसफॉरस बट रिच इन पोटास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप डी क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर ऑप्शन ए येलो सॉइल ऑप्शन बी लेटराइड सॉयल ऑप्शन सी एलुवेल सॉइल एंड ऑप्शन डी ब्लैक सॉयल फ्रेंड्स क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी सॉयल है जिसमें कि डीप्स क्रैक्स पड़ जाते हैं ड्यूरिंग हॉट वेदर चार ऑप्शन दिए गए थे ऑप्शन आर येलो सॉयल ऑप्शन बी लेटराइड सॉयल ऑप्शन सी एलूवेर सॉयल एंड ऑप्शन डी ब्लैक सॉयल आंसर क्या है ऑप्शन डी यानी कि ब्लैक डेवलप डीप्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक में पूछा गया ने वट इजर नेम ऑफ रेड एंड येल्लो सॉइल ऑप्शन बी भंगर ऑप्शन सी खदर एंड ऑप्शन डी ओमनी बस ग्रुप फ्रेंड्स क्वेश्चन सी के लिए पूछा गया था कि इनमें से रेड एंड येल्लो सॉइल का दूसरा नाम क्या है चार ऑप्शन देखे थे ऑप्शन दार रिगुर सॉइल ऑप्शन बी भंगर ऑप्शन सी खदर एंड ऑप्शन डी ऑमनी बस ग्रुप आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ओमनीबर्स ग्रुप इज अ नेम ऑफ रेड एंड येलो सॉयल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट है ब्लैक सॉयल आर जनरली पुअर इन डैश कंटेंट ऑप्शन आर लाइम ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑप्शन सी फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी पोटाश आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि फॉस्फोरिस कंटेंट ब्लैक सॉयल आर जनरली पुअर इन फॉसफॉरिक कंटेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया निकलते हैं विच आर द फॉलोइंग सॉइल इज वैरियड इन ह्यूमस बट डेफिशेंट इन पोटास फॉस्फोरस एंड लाइन ऑप्शन आर माउंटेन एंड फॉर्स्ट सॉयल ऑप्शन बी एरड एंड डेजर्ट ऑप्शन सी पैटी एंड मार्शि एंड ऑप्शन डी लाइन एंड अल्कलाइन सॉयल फ्रेंस क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि इन में से ऐसी कौन सी जिसमें कि ह्यूमस की, की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बट उसमें पोटास फॉस्फोरस और लाइन की मात्रा जो है वो कम होती है चार ऑप्शन दिखे थे ऑप्शन आर फॉरेस्ट एंड माउंटेन साइल ऑप्शन बी एरड एंड डेजर्ट सॉयल ऑप्शन सी पेटी एंड माशि एंड ऑप्शन डी सलाइन एंड अल्कलाइन सॉयल आंसर क्या है ऑप्शन ए यानी कि फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉयल इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस बट डेफिशेंट इन पोटाश फॉरफॉरस्ट एंड लाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एक एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट इसलिए हैं इन अवर कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय विथ सॉयल ऑप्शन आर एलुवेल सॉयल ऑप्शन बी रेड सॉयल ऑप्शन सी ब्लैक सॉयल एंड ऑप्शन डी लेटराइट सॉयल आंसर क्या हो जाएगा रेड सॉयल इन अर कंट्रीज सेकेंड लार्जेस्ट एरिया इज ऑकुपाइड बाई आंस ऑप्शन बी यानी कि रेड सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा है गया आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंग द फॉलोइंग सॉइल ऑप्शन आर ब्लैक कॉटन सॉइल ऑप्शन बी लेट्राइड सॉइल ऑप्शन सी अलूबेरा सॉइल एंड ऑप्शन डी पैटी सॉइल फ्रेंड्स क्वेश्चन बी सी के लिए पूछा गया था कि इनमें से सबसे इनफर्टाइल सॉइल कौन सी है चार ऑप्शन अच्छा दिए गए थे ऑप्शन आर ब्लैक कॉटन सॉइल ऑप्शन बी लेट्राइड सॉइल ऑप्शन सी एलुवेरा सॉइल एंड ऑप्शन डी पैटी सॉइल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लेट्राइड सॉइल द मोस्ट इनफर्टाइल अमंग द फॉलोइंग सॉइल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक like और मिनिमम टेंशन शेयर जरूर करेगा अब हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बेन द स्टडी आई क्यू जी के नेक्स्ट रहते हैं लावा सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन ऑप्शन आ छत्तीसगढ़ प्लेन ऑप्शन बी नॉर्थन प्लेट्यू ऑप्शन सी मालवा प्लेटू एंड ऑप्शन डी शिल्ग प्लेट्यू फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि जो लावा सॉइल है वो किस रीजन में पाई जाती है चार ऑप्शन थे ऑप्शन छत्तीसगढ़ प्लेन ऑप्शन बी नॉर्थन प्लेट्यू ऑप्शन सी मालवा प्लेट्यू एंड ऑप्शन डी शिलोंग प्लेट्यू आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मालवा प्लेट्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया नेक्स्ट हैं लेटाइड सॉल मेनली फाउंड इन द रीजन ऑफ ऑप्शन आर मालवार कोस्ट रीजन ऑप्शन बी नॉर्थन प्लेन ऑप्शन सी द आईलैंड एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ प्लेन्स फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था जो लेटाइड सॉल होती है ना इनमें से किस रीजन में पाई जाती है चार ऑप्शन देखिए थे ऑप्शन आर मालवार कोस्ट ऑप्शन बी नॉर्थन प्लेन ऑप्शन सी आईलैंड एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ प्लेन आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मालबार कोस्ट रीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया हैं विच सॉयर इज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉयल ऑफ इंडिया ऑप्शन रेड ऑप्शन बी एसिडिक ऑप्शन सी एलूवियर एंड ऑफ रिवर तो आंसर क्या हो जाएगा एल्यूवियर सॉरिज द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉयल ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया हैं विच आर द फॉलोइंग सॉयल क्रॉप एंड रिच इज द नाइट्रोजन कंटेंट टू द सॉयल ऑप्शन आर पी ऑप्शन बी वीट ऑप्शन सी सनफ्लावर एंड ऑप्शन डी राइस तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पी क्रॉप एंड रिच इज द नाइट्रोजन कंटेंट टू द सॉयल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का केरवा सॉयल विच यूज फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जाफरण या फिर वैरायटी ऑफ जो है फ्रेंड्स जाफरण वरायटी किसी की आर फाउंड इन ऑप्शन आर नेपाल हिमालय ऑप्शन बी कश्मीर हिमालय ऑप्शन सी गढ़वाल हिमालय एंड ऑप्शन डी ईस्टर्न हिमालय आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कश्मीर हिमालय केरवा सॉइल विज यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जाफरें इज़ फाउंड इन आंसर ऑप्शन बी यानी कि कश्मीर हिमालय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है जो इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो सेफरन की कल्टिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल सॉइल कौन सी है तो आंसर क्या हो जाएगा केरवा सॉइल आप इसको याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो फिर ये फिफ्टी प्लस क्वेश्चन थे सॉइल ऑफ इंडिया के आई ऑफ ये कंटेंट अच्छा लगा होगा अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम टेंशन शेयर जरूर करें आप हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बिदी आई को जी के थैंक यू सो मच माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आज के टॉपिक थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फार अपकमिंग एग्जाम थैंक यू सो मच